मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भले ही शराब घोटाला मामले में जेल में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दोनों का नाम विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया है। सवाल ये कि जेल में बंद ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे, या फिर केजरीवाल को इस बात की पक्की जानकारी है कि इन दोनों को जमानत मिलने वाली है। दोनों में से एक मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। अब ये केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया को जमानत मिलने वाली है, और इन सब के बीच जब सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने सीधे सिसोदिया के बैंक खातों की जानकारी मांग ली। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर बचाव पक्ष को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में आरोपी पॉपुलर स्पिरिट कंपनी पर भी अभी तक सुनवाई में शामिल न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राउज एवेन्यू स्थित एक विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय नायर और मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। विजय नायर ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें मोबाइल सीडीआर की रिपोर्ट जो ईडी ने पेश की है उपलब्ध कराई जाए। इससे कोर्ट में सिसोदिया ने नए बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ईडी की तरफ से पेश लोक अभियोजक नवीन मट्टा ने अदालत से कहा कि नए बैंक खाते की जानकारी भी ईडी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य आरोपियों ने भी ईडी की चार्जशीट की कॉपी मांगी। इस पर लोक अभियोजक ने कोर्ट से समय मांगा। अदालत ने मामले को 21 नवंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर लिया है, और इसी मामले से जुड़े एक मुकदमे में सीबीआई को भी 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, और हाल ही में उन्होंने अपने विधायक निधि का भी इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उनको बड़ी राहत मिली। सिसोदिया के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अदालत की मंजूरी के बाद सड़कों की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाने और कुछ पार्क्स का सौंदर्यीकरण जैसे कुछ चिन्हित कार्य किए जाने की तैयारी है, और इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं। कोर्ट से भी विधायक निधि का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। The report, News of India.